हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम बैक विद येट अनदर हॉल वीडियो विच इज़ गोइंग टू बी अ मिंत्रा वन मिंत्रा से मैं लेके आई बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे से टॉप्स uh, जो कि आपको काम आएंगे ऑफिस में कॉलेज में रेगुलर वियर में या फिर कहीं आउटिंग जाना है तो उसके लिए भी आप लोग इसको काम में आ सकते हैं वेकेशन के लिए भी बेसिकली ये काम आ सकते हैं सारे के सारे समर अप्रोप्रिएट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैब्रिक और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज आज की वीडियो की रहने वाली है मतलब लग लगभग सबके सब जो है ना 500 600 700 की रेंज में रहने वाले हैं तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं जो पहना हुआ है ये भी मैंने इसी Uh, मिंत्रा से ही परचेज़ किया है और ये मेरे को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल लगा और इतना ज़्यादा क्यूट मुझे ये लगा ना इसके जो रफ़ल्स हैं और इस तरीके के पर्ल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे बटन स्टाइल में दे रखे हैं और ये ओपन अप नहीं हो सकते हैं ये सिर्फ एक स्टाइलिश शर्ट स्टाइल में आप लोग देख सकते हो टॉप बनाया है और साथ में ना इसका फैब्रिक है वो शिफॉन का रहने वाला है और साथ में इस तरीके का सेल्फ डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो और साथ में ये स्लीव जो थी ना ये इसकी हाईलाइट और मतलब हाईलाइट तो मुझे ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा पोर्शन लग रहा था कुछ इस तरीके से आप लोगों को अगर मैं दिखाऊँ तो इस तरीके के पर्ल्स यहाँ पे लगे हुए हैं और साथ में ना क्रॉप टॉप नहीं है प्रॉपर लेंथ का जो रहता है ना टॉप वैसा रहने वाला है कुछ भी सी थ्रू नहीं है क्योंकि इसके अंदर इन अवियर है ऑफकोर्स तो सबसे पहला टॉप होता है ये वाला आई जस्ट लव दिस टॉप और सेकेंड टॉप पे चलते हैं जो कि होने वाला है अगेन बहुत ही ज्यादा प्यारे फैब्रिक का शिफोन का फैब्रिक रहने वाला है जो कि है ये वाला टॉप इसका कलर मुझे बहुत ज्यादा फीलिंग लगा था मेरे को है ना मेरे विशलिस्ट में था यह काफी टाइम से और मुझे लगा कि ये कलर मुझे लेके देखना है मेरे को थोड़ा सा अलग टाइप का ये कलर लगा और इस तरीके का आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फ्रंट वाले पोर्शन में आपको कुछ इस तरीके के रफल्स दिखेंगे और इस तरीके का नेक की डिटेलिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी स्लीव्स आप लोगों को इस तरीके का आ, हाफ स्लीव देखने को मिलेगी और साथ में यहाँ पे इलास्टिकेटेड इतनी इतनी स्लीवस है बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मुझे ये लगा और साथ में इसकी खास बात क्या है ना कि इसके अंदर जो है इनर वेयर इस तरीके से दिया हुआ है कि आपको लगेगा कि अलग से आ, मतलब इस ये डिटैच हो सकता है बट ये डिटैच नहीं हो सकता कुछ इस तरीके का यहाँ पे इनरवेयर इन्होंने दे रखा है स्ट्रैप भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगी इस तरीके का इनरवियर आप लोगों को देखने को मिलेगा अब नीचे वाले पोर्शन पे चलते हैं नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे इलास्टिकेटेड आता है पीछे वाली साइड से तो इसका जो रहेगा ना कंफर्टेबल काफ़ी ज़्यादा रहेगा और फिट बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है तो ये वाला पोर्शन पीछे वाला इलास्टिकेटेड है फ्रंट वाले पोर्शन में आपको ये स्टाइलिश लुक क्रिएट करने को मिल जाएगी और काफ़ी प्यारा फैब्रिक मुझे इसका लगा और कलर भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है तो इसको डेफिनेटली आप लोग ट्राई दे सकते हैं इस वाली ब्रांड के ना मैंने ड्रेसेस uh, भी परचेज़ करी है तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा ये वाला पर्सनली अभी मैं चलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक इसमें आप लोग प्योर कॉटन में आपको मिलेगा पर इसके साइज़ के लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगी आप लोगों को कि जो का साइज़ है उससे एक स्मॉल आप परचेज कर सकते हो मेरे मैं को मैंने इसमें मीडियम परचेज़ किया था बड़ा है ना ये मुझे ऐसा लगा कि मुझे लूज था काफ़ी ज़्यादा अगर मैं इसका स्मॉल लेती तो भी काफ़ी ज़्यादा सही रहता अब ये वाला जो टॉप है ना ये कमर वाली साइड से मुझे काफ़ी ज़्यादा लूज था प्योर कॉटन में है कलर बहुत ज़्यादा मेरे को सॉफ्ट ऐसा लगा था सम अप्रोप्रिएट वाला और इस तरीके का आप लोगों को इस तरीके का सेल्फ डिज़ाइन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे इसको स्लीवस काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगी थी मुझे इस तरीके की और यहाँ पे आप लोगों को स्टाइलिश स्लीव्स हाफ हाफ स्टाइलिश स्लीव मिल जाती है आप लोगों को और ये मेरे को कम्फर्टेबल लगा समर अप्रोप्रिएट लगा और लेंथ वाइज भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा शर्ट स्टाइल में सारे के सारे बटन इसके ओपन अप हो सकते हैं तो ये भी एक अच्छा परचेज अगर किसी को ऐसे ऑफिस वेयर के लिए चाहिए कॉलेज वेयर के लिए चाहिए एक डीट परचेज मैं बोलूंगी ये रहने वाला है अब इसके बाद वाले टॉप के लिए भी मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगी ये को बहुत ज्यादा पसंद आया इसका फैब्रिक सिल्क वाली साइड में कहीं ना कहीं सिल्क ब्लैंड में रहने वाला है बट ये जो ब्रांड है मैरिक्लेर इससे मैं एक एक टॉप और ले चुकी हूं पहले मेरे को बहुत ज्यादा अमेजिंग फिट आया था उसका और साथ ही साथ है ना जैसे पिछले वाले का मीडियम भी लार्ज लग रहा था और इसका लार्ज साइज भी ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइट था तो इसका जो साइज रहेगा प्लीज़ आप वन या टू साइज अप करके लेना कंफर्टेबल फिट के लिए मुझे तो ऐसा लगा अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का एसिमेट्रिकल हेम आपको मिलने वाला है लेंथ बिल्कुल प्रॉपर है क्रॉप टॉप वाली नहीं है रेगुलर सब लोग इनको पहन सकते हैं ऑफिस वेयर से लेके रेगुलर वेयर से लेकर सबको इसको पहन सकता है प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कलर एकदम टील एक्वा ब्लू जो होता है वैसा कलर रहने वाला है और साथ में आप लोगों को मैं दिखा दूँ यहाँ पर आपको तीन बटन्स मिल जाते हैं इस तरीके से कॉलर की डिटेलिंग के साथ आपको ये टॉप मिल जाता है जिस लव दिस टॉप पर ये मेरे को ना छोटा रह गया साइज में तो इसी बस इसी चीज़ का दुख है इसमें एक कलर और आप लोगों को मिल जाएगा पर है ना इसमें साइजेस बहुत ज़्यादा कम अवेलेबल हैं तो उस हिसाब से आप लोग चेकआउट कर सकते हो तो ये हमारा फोर्थ टॉप आई गेस रहने वाला है अभी मैं चलती हूँ आपको तीखा तड़कता भड़कता हुआ टॉप का कलर और टॉप पे ले के चलती हूँ तो ये इतना ज़्यादा नारंगी कलर है ना मतलब फेंटा कलर जिसको बोलते हैं बिल्कुल ऑरेंज वो वाला कलर आप लोगों को मिलने वाला है इसमें ना और भी कलर अवेलेबल है पर पता नहीं क्यों मुझे एक्सपेरिमेंट करना था मुझे था कि चलो ये चटैक रंग देखती हूँ मैं लगा के तो ये चटैक रंग इस तरीके का आप लोगों को मिलेगा बिल्कुल तीखा ऑरेंज जो होता है वो रहने वाला है फैब्रिक काफ़ी कम्फर्टेबल है और साथ ही साथ आप इसकी डिटेलिंग देख सकते हो इस तरीके की लेसिंग के साथ मिलेगा और ये रफल्स आप लोगों को मिल जाती है स्लीवलेस नहीं बोलूँगी इसीलिए मैं इसको क्योंकि स्लीवस पे यहाँ यहाँ तक आपको

पहनना चाहते हैं कि नहीं पहनना चाहते तो दूसरे कलर ट्राई कर सकते हो तो ये हमारा सिक्स जो भी टॉप रहने वाला है वो हो गया अभी मैं आपको लेके चलती हूँ एक बहुत ही प्यारा क्रॉप टॉप जिसको मैं बोलूंगी आई जस्ट लव जिस कुर्ता सेट निकल रहा है टॉप बहुत ज़्यादा प्यारा लगा ये बिल्कुल शॉर्ट टॉप में रहने वाला हाई वेस्ट जीस के ऊपर ट्राउजर के ऊपर आप इसको पहन सकते हो आप बहुत ज़्यादा अगर आप लो वेस्ट वाली जीन्स पहनोगे तो वो उस पर आपको टमी दिखेगा फॉर श्योर sure। आप लोग रेफरेंस uh, के लिए मेरी वीडियो देख सकते हो हाई वेस्ट जीन्स थी तो उसके ऊपर मैंने इसको किस तरीके से कैरी किया था आप लोग कहाँ से देख सकते हो आई जस्ट लव इसकी स्लीवस बहुत ज़्यादा प्यारी स्लीव थी इस तरीके की बिशप स्लीव्स जिसको बोलते हैं वो रहने वाली है और यहाँ पे ये वाला पोर्शन इतना ज़्यादा सही लग रहा था ना मुझे बड़ा प्यारा लगा यार ये वाला टॉप तो स्लीव्स के बाद मैं बात करती हूँ इसके नेक की ये वाला पोर्शन पूरा इलास्टिकेटेड है तो आप इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हो पीछे वाली साइड में आप लोग यहाँ पर इसकी जिप देख सकते हो कितनी मस्त वाली क्वालिटी की आप लोगों को मिल जाती है बिल्कुल ब्रॉड वाली जो होती है ना अच्छी क्वालिटी की वो रहने वाली है बट हाँ मॉडस्ट कई लोगों के लिए हो सकता है कई नहीं हो सकता क्योंकि कई लोग इतने क्रॉप टॉप नहीं पहनना प्रेफर करते हैं कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और इसका स्टाइल मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इसलिए मैं इसको परचेज करके देखा क्वालिटी वाइज फैब्रिक भी इसका शिफॉन वाली साइड में जाता है तो आई जस्ट लव इसका पूरा अच्छी सब चीज़ मुझे इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी अभी मैं चलती हूँ एक ब्लैक कलर के पॉलिएस्टर फैब्रिक वाले टॉप पे जिसको मैंने पहना ना पहनते ही मुझे ऐसा लगा वाओ इतनी अच्छी फिटिंग कौन से टॉप के आ सकते हैं यार आई जस्ट लव दिस टॉप इसका डिटेलिंग आप लोग देखना इसमें बहुत संभाव ऐसा लगता था लगता है इस तरीके की टॉप में कि आप थोड़े से पतले हो गए हैं बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली ये थोड़ा सा ऐसे इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं इस तरीके के टॉप तो पीछे वाली साइड में स्टार्ट करती हूँ मैं इस तरीके का आपको मिल जाता है इलास्टिकेटेड बैक मिल जाता है जिसकी वजह से बहुत ही अच्छी आपको फिटिंग मिल देखने को मिल जाएगी अब इसकी हाईलाइट मेरे को लगता है कि इसकी स्लीव्स रहने वाली हैं तो स्लीव्स कुछ इस तरीके की रहने वाली है यहाँ पे आपको डबल लेयर आपको देखने को मिल जाएगी रफल्स की तो एक चीज़ ये होगी और ऊपर से इसका जो नेक था वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था आप लोग वीडियो में देखना आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगा कि सही बोल रही हूँ मैं इसका कलर इसका प्रिंट इसका सब चीज़ मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा फिट वॉज टॉप नॉच मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इसका अभी मैं चलती हूँ नेक्स्ट टॉप पे जो कि एक ऑफिस गोइंग टाइप टॉप रहने वाला है तो वो है ये वाला टॉप इसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे मुझे लगा कि एक ट्राई करते हैं इस तरीके का टॉप भी तो ये कीवो ब्रांड का रहने वाला है और लेंथ अच्छी खासी है मतलब हिप कवर कर देने वाली जो लेंथ होती है ना वो वाली लेंथ इसकी रहने वाली है स्लीवलेस यहाँ पे मैं बोलूँगी कि इसको है और यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके के से बटन्स मिल जाते हैं चिटचैट वाले जो बटन्स होते हैं तो इसको इस तरीके से हम बंद कर देंगे यहाँ से यहाँ से बंद करने के बाद ऊपर वाले पोर्शन में हम इस तरीके से इसको बंद करने के बाद पूरा डिटेल देखते हैं कि किस तरीके का ये लगता है तो ये कुछ इस तरीके का लगने वाला है और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मुझे लगा कि ऑफिस वेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहने वाला है और इसका फैब्रिक भी आ, पॉलीस्टर वाले साइड में कहीं ना कहीं रहने वाला है तो अभी मैं चलती हूँ नेक्स्ट टॉप पे ये मेरे को बहुत ज़्यादा कमाल का लगा इसको आप बहुत सारे जगहों पे यूज़ कर सकते हो आई गैस इस तरीके की रफ़ल्स की डिटेलिंग्स आपको मिल जाती है फ्रंट वाले पोर्शन में और नेक मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी कुछ इस तरीके का रहने वाला है वो सेल्फ डिज़ाइन जिस जैसे इस फैब्रिक पे है ना वाइट कलर का इसी तरीके से इस पे भी पर्पल कलर का इस तरीके का सेल्फ डिजाइन है और ट्रांसपेरेंट आपको स्लीव मिल जाएंगी इलास्टिकेटेड आपको ये वाला वेस्ट मिल जाता है यहाँ पे तो आई जस्ट लव दिस वन आल्सो बहुत प्यारा सा फैब्रिक है शिफॉन वाला और काफ़ी अच्छी डिटेलिंग के साथ आपको ये टॉप मिल जाता है अभी मैं चलती हूँ नेक्स्ट टॉप पे जो कि होने वाला है ग्रे कलर का टॉप ये मॉडस्ट टॉप रहने वाला है और साथ ही साथ आप इसके स्लीव्स देखना मुझे बड़ी प्यारी सी स्लीव्स लगी इसकी क्यूट सी तो प्रिंट सबसे पहले दिखा देती हूँ मैं इस तरीके का प्रिंट आपको मिलता है फ्रंट वाले पोर्शन में ये वाले बटन्स मिल जाते हैं जो कि ओपन अप नहीं हो सकते हैं और ये जो कमर वाला पोर्शन है ये पूरा पूरा इलास्टिकेटेड है तो इलास्टिकेटेड होने की वजह से ये वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा सही लगता है फिटिंग बहुत ज़्यादा सही आती है अब बात करती हूँ मैं इसके स्लीव्स की स्लीव इस तरीके से हाफ स्लीव आप को मिल जाती है और यहाँ पे इस तरीके का गोल्डन वर्क भी देखने को आपको बीच बीच में देखने को मिल जाएगा कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे और मुझे था कि चलो ट्राई करके देखते हैं तो मैंने परचेज कर लिया अभी मैं चलती हूँ नेक्स्ट एक कॉटन का टॉप बोल लो कुर्ती बोल लो इस तरीके का क्योंकि ये मेरे बहुत सा टाइम से मेरे विश लिस्ट में था तो मुझे देखना था कि मैंने जो बहुत पहले विश लिस्ट में डाले थे कि वो भी कैसे आने आते हैं तो मैं को चांस नहीं मिल पा रहा था इसको परचेज़ करने का इस बार मैंने किया इसको परचेज़ काफ़ी प्यारी कुर्ती मुझे लगी मैंने साइज़ इसमें एल ले लिया था मेरे को इसमें मीडियम साइज़ लेना चाहिए था प्योर कॉटन में तो जिसका जो साइज़ है उसमें ये वाला परचेज़ करना जो साइज़ है बेसिकली वही तो ये इस तरीके की फ्लोरल कुर्ती कॉटन की रहने वाली है तो अगर कोई लोग इस तरीके की स्ट्रैप वाली स्लीवस पहन सकते हैं ना तो उसको डेफिनेटली एक ट्राई दे सकते हैं काफ़ी क्यूट ये लग रहा था और लेंथ भी काफ़ी अच्छी खासी थी तो यहाँ पे इस पेपलम टॉप में बोलूंगी है ये और साथ में आपको पीछे की तरफ टाई करने के लिए मिल जाता है तो एक अच्छी सी फिटिंग आप लोग इससे ला सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा ये लग रहा था पहनने के बाद बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं रेफरेंस के लिए अभी मैं चलती हूँ हमारे नेक्स्ट टॉप पे अभी चार बाकी हैं तो ये ससफ्रास ब्रांड का टॉप रहने वाला है पता नहीं मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं लगा टू तो बी वेरी ऑनेस्ट शिफॉन जॉर्ज जॉर्जट वाले साइड में इसका फैब्रिक लाई करता है तो आपको स्लीव देख सकते हो बिशप स्लीज इस तरीके की आपको मिल जाती है मेरे को ना इसका सिर्फ प्रिंट अच्छा लगा है मेरे को ना इसका फ़िटिंग को ज़्यादा जमा नहीं तो शायद इसीलिए मुझे कम पसंद आ रहा है ये और यहाँ पे आप डिटेलिंग देख सकते हो ये वाले पोर्शन में आपको इस तरीके की डिटेलिंग्स देखने को मिल जाती है और नीचे वाले पोर्शन में आपको ये इलास्टिकेटेड मिल जाता है और यहाँ पे आपको इस तरीके का नेक ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ भी दिखने वाला है सारा का सारा स्टिच है तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा मॉडल्स टॉप चाहिए बहुत सिंपल साधारण सा चाहिए तो इसको एक ट्राई देकर देख सकता है इसका प्रिंट तो ऑल दो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बट मुझे ऐसा लगा कि इस तरीके की टॉप की फिटिंग मेरे बॉडी के लिए नहीं है तो मुझे अपने ऊपर इसका फिट ज़्यादा अच्छा नहीं नहीं लगा अभी मैं चलती हूं हमारे नेक्स्ट पे जो कि होने वाला है स्लीवलेस और इस तरीके का बहुत सिंपल सा रहने वाला है इसका टाई एंड डाई प्रिंट काफ़ी क्यूट सा लगा था मुझे कलर पिंक और ये जो पर्पल कलर है काफ़ी अमेजिंग सा लगा था आपको इसका नेक दिखेगा बिल्कुल इस तरीके का बंद रहेगा पीछे वाले पोर्शन से आपको इस तरीके से बटन मिल जाता है बंद करने के लिए और एक चीज़ और है कि नीचे वाले पोर्शन में आप इसको एडजस्ट कर सकते हो आ, कम ज़्यादा तो उस हिसाब से फिटिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है और साथ में इसका ना मुझे फैब्रिक भी काफ़ी अलग सा अच्छा सा लगा तो कम्फर्टेबल फ़ैब्रिक ये इस तरीके का रहने वाला है तो डेफिनेटली इसको एक ट्राई दिया जा सकता है तो अप फ्रॉम माय साइड आप डेफिनेटली इसको प्राइ परचेज कर सकते हो अभी मैं चलती हूँ हमारे सेकेंड लास्ट टॉप पे ये मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा यार पॉलिस्टर फैब्रिक है इसका प्रिंट देखना आप लोग काफ़ी क्यूट प्रिंट मुझे इसका लगा और साथ में इसकी डिटेलिंग जैसे कॉलर में आप इसकी डिटेलिंग देखते हो तो यहाँ पे लेसिंग देख देखने को मिलेगी आप लोगों को फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है प्रिंट बहुत ज़्यादा प्यारा सा लगा प्रॉपर ऐसे शर्ट वाले स्टाइल में जो टॉप होते हैं ना वो वाली लुक आप क्रिएट कर सकते हो आप यहाँ वाले पोर्शन में देख सकते हो इसकी डिटेलिंग ये पूरा का पूरा लेसिंग का वर्क देखने को मिल जाता है और साथ में आपको यहाँ पे बटन्स भी देखने को मिल जाते हैं अभी मैं दिखाती हूँ आपको इस तरीके के बटन्स आप को देखने को मिल जाएंगे ये वाले पोर्शन में आपको इसकी डिटेलिंग इस तरीके की देखने को मिलेगी आई जस्ट लव इसकी शर्ट स्टाइल शार्� में जो टॉप है ना मुझे बड़ा पसंद आया इस तरीके की स्लीवस आपको मिल जाती है इलास्टिकेटेड और यहाँ पर आपको इस तरीके की डिटेलिंग मिल जाती है काफ़ी लंबा अच्छा खासा टॉप ये रहने वाला है अभी मैं चलती हूँ आज के हॉल के लास्ट टॉप पे आई होप आप लोगों ने ये वाला तो शायद कहीं ना कहीं देखा हुआ ससफ्रास ब्रांड का है और इसमें ना एक दो कलर और अवेलेबल हैं तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो पर मेरे को ये ब्रिक ऑरेंज और ये जो रस्ट ऑरेंज वाला कलर है ना मुझे ये थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है तो मैंने इसको परचेज़ किया प्रिंट काफ़ी फ्लोरल सा काफ़ी अच्छा सा इसे समर अप्रोप्रिएट मुझे लगा स्लीवस आपको इस तरीके की रफल्स वाली मिल जाती हैं इलास्टिकेटेड यहाँ वाले पोर्शन पे मिलेगा और फ्रंट वाला पोर्शन कुछ इस तरीके का मिलेगा फैब्रिक रहेगा जॉर्जेट का और ये काफी क्यूट भी लग रहा था मुझे ऐसा लगा कि इससे पहले जो मैंने दिखाया था ना जो मुझे फिटिंग पसंद नहीं आई थी उसके कंपेरिटिवली मेरे को ये काफी ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला पोर्शन पूरा इलास्टिकेटेड आप लोगों को मिल जाता है और ये फ्रंट वाला पोर्शन मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी यहाँ पे आपको हुक मिलेगा तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि कईयों को ये वाला प्रॉब्लम प्रो, हो जाता है ना कि इस तरीके से दिख रहा है और ये सब तो उस हिसाब से आप लोग एक बार देख सकते हैं बाकी आप लोग रेफरेंस के लिए वीडियो देख सकते हो तो ये आई गेस फिफ्टीन सिक्सटीन टॉप के साथ था आज का वीडियो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा या छाटना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना मिन्ा में भी कि कौन सा लें कौन सा नहीं लें तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब टू माई चैनल मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन बाय